यार ये सारे कोचिंग्स ने, इंस्टीट्यूशंस ने, और अब तो कई सारे यूट्यूबर्स भी आ रहे हैं इस चीज को करते हुए, इन्होंने एजुकेशन को ना एक धंधा बना दिया है, एक कमोडिटी बना दिया है। जूते चप्पल की तरह बेचते हैं कि भाई रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो बच्चे को बेच दिए, उसके बाद खत्म। उसके बाद उस बच्चे की केयर करना, उसके बाद उस बच्चे को अटेंशन देना, उसके बाद उन बच्चों को एक गाइडेंस देना, वो सब तो बेकार की चीज है ना, वो सब वो क्यों करेंगे। उनको अपना माल बेचना था, लिटरली जूते चप्पल की तरह माल की तरह बेच रहे हैं, उनको अपना माल बेचना था, माल बेच दिया। उसके बाद ये जूता है, ये हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हें जो करना करो, नहीं करना मत करो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं आके देखेंगे, हम नहीं आके पूछेंगे। ऐसा हाल बना दिया है, ऐसा धंधा बना दिया है इन कोचिंग सेंटर्स ने, इन ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस ने। यार प्रिंस अकेडमी में ना हमारा हमेशा फोकस सिर्फ एक चीज पे रहता है कि हमारे जो बच्चे ने हमारे पास एनरोल किया है उसके करियर को हम उसकी बेस्ट पोटेंशियल तक कैसे पहुंचा सकते हैं। हमारा ध्यान हमेशा ये नहीं है कि भाई अपना कोर्स बेच दो, अपना माल बेच दो और फिर उसके बाद भूल जाओ। यार दो हफ्ते से एनरोलमेंट्स नहीं ले रहे हैं हम लगभग। अगर हम, मैं चाहता ना एनरोलमेंट्स ओपन करके बहुत दबा के एनरोलमेंट्स लेता, बहुत दबा के अपना सामान बेचते, जैसे सामान बना दिया इन इंस्टीट्यूशंस ने इस चीज को। हमने दो हफ्ते पता क्यों क्लोजिंग रखी है, क्योंकि हम प्रिंस अकेडमी में बिल्कुल नया फीचर लेके आए हैं। हम हमेशा बिलीव रखते हैं कि यार जब बच्चे को कोर्स दे दिया गया है, उसको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दिए गए हैं, उसके बाद भी उसे प्रॉपर मेंटरिंग की जरूरत है, उसका हाथ पकड़ के उसके साथ चलने की जरूरत है, उसको उसको गाइडेंस देने की जरूरत है, उसको उसकी गलतियां बताने की जरूरत है, तब वो अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचेगा, तब वो अपनी पूरी फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर पाएगा। इस चीज को हम हमेशा ध्यान में रखते हैं, इस चीज को हमेशा हम ध्यान में रखते हुए अपना पूरा एक व्हाट्सएप सपोर्ट देते थे बच्चों को कि भाई कोर्स में आपने एनरोल कर लिया, उसके बाद हम आपके पास व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, आपकी क्वेरीज के लिए अवेलेबल है, मैं कॉल पे पर्सनली अवेलेबल हूं आप लोगों के डाउट्स, आप लोगों को सही ट्रैक पे लाने के लिए। पर हमने उस चीज को भी एक नेक्स्ट लेवल पे हम लेके गए हैं, और इस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए हमने कहा हमें नहीं चाहिए एनरोलमेंट्स, हमें नहीं चाहिए पैसे, हमने अपनी एनरोलमेंट्स बंद करे और इस चीज पे काम करा। हम अपने कोर्स के लिए अब नया फीचर लेके आए हैं डेली लाइव का। मंडे टू फ्राइडे मैं बैठ रहा हूं अपने कोर्स के बच्चों के साथ डेली, और आज जो हमारा कोर्स लॉन्च होने वाला है आज रात को, आप वहां पे आ जाना, वहां पे उस फीचर को मैं और ढंग से एक्सप्लेन करूंगा। पर मैं अपने बच्चों के साथ बैठ रहा हूं डेली, उनको डेली गाइड करने के लिए, उनको डेली उनकी गलतियां बताने के लिए, उनको एक बड़े भाई की तरह मेंटरिंग देने के लिए जो रिक्वायर्ड है उनको उनके करियर के लिए। तो यार हम ना इस चीज को धंधे की तरह नहीं लेते, हम इस चीज को माल की तरह नहीं लेते जो हम बेच रहे हैं, इस चीज को हम लेते हैं एक एक प्रोफाउंड एक्टिविटी की तरह, एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी की तरह, क्योंकि बच्चे के करियर की बात है, बच्चे के करियर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज रात को मिलते हैं, हमारा नया बैच लॉन्च होने वाला है, हमारा नया बैच अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है और हमारी ऑलरेडी 30% सीट्स बुक हो चुकी हैं बिना ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए। आ जाना, नए फीचर के बारे में जानना और भी जो हम सारी चीजें दे रहे हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए उसके बारे में।